तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अगर एक न्यूक्लियस है, रप्चर इनटू टू टू न्यूक्लियर पार्ट्स हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2। अब देखना, आइए, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया, और ये न्यूक्लियाई, ये वाली जो न्यूक्लियाई है वो स्पीड v1 से जा रही है, और ये वाली न्यूक्लियाई है वो स्पीड v2 से जा रही है, ठीक ना। तो दो न्यूक्लियाई है वो स्पीड v1 और v2 से जा रही है। तो ये कहते हैं कि स्पीड v1, ध्यान रखना v पर स्पीड है, स्पीड v1 और स्पीड v2 की रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। रेशियो स्पीड 2:1 है, ठीक है। तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, मतलब रेडियस का न्यूक्लियस पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज का अगर रेडियस इंक्लूड करोगे, तो चलो मान लो ये जो v1 से जा रहा है इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो मोमेंटम इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1 माइनस यहाँ से m2 v2, इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ से मास m1 और मास m2 इज इक्वल टू यहाँ से v2/v1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 2 आ जाएगी। और यहाँ से मास इज इक्वल टू होता वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। मोमेंटम कंजर्व करा दिए और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम अगर तुम देखोगे यहाँ से, डेंसिटी तो दोनों न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है, वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 4/3 π r³ रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है, और ये डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r³। तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। तो पहले वाले की स्पीड v1 2 लिया था, तो यहाँ से m1/m2, और यहाँ से रेडियस, यहाँ से r1/r2, और यहाँ से 2:1, और ये आ जाएगा 1/3। तो r1/r2 जो रेडियस रह जाएगा 2:1/3, मतलब ये आ जाएगा 1:2^1/3:1, ठीक ना। मतलब यहाँ से तुम देखोगे न्यूक्लियाई जिसकी स्पीड 2 थी, v2 रेशियो ऑफ साइज 2:1, मतलब अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक ना। तो थैंक यू।